तो दोस्तों नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल जिताकर भारत के लिए रच दिया है इतिहास। और आज का हमारा टॉपिक भी होगा सबसे खास। 5.1 के बाद 5.2 के ऊपर आए हैं हम। तो जिस भी बच्चे ने 5.1 हमारी ना ही देखी हो या उसे समझ में ना आई हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक करें और हमारी वीडियो को देखें। 5.1 एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट। अगर 5.1 आपको आती है तो सीधे हमारी इस वीडियो पर आएँ, क्योंकि 5.2 को इतनी बेहतरीन तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ आज। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट क्लियर करेंगे सवालों से पहले। तो देर किस बात की, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स भाई मोहित शर्मा में। और वीडियो को पूरा देख लेना, बस पूरा का पूरा कंसेप्ट और पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी क्लियर। लो जी दोस्तों, आ गए हमारी एक्सरसाइज की तरफ। तो आज का काम क्या होगा हमारा, आज का जो एक्सरसाइज होगी 5.2, उसमें हमें क्वेश्चनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना होगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है हमारी, ए प्लस आयटा बी को ही हम क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो किसी भी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर ए प्लस आयटा बी की हम फॉर्म लेकर आ जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन किस में आ जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। तो आज की ये जो एक्सरसाइज होगी ये सिंपलेस्ट फॉर्म के ऊपर ही होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है 5.2 एक्सरसाइज की और किसी भी पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि डिवाइड में हमारे पास आयोटा की टर्म नहीं आनी चाहिए। हम डिवाइड में अगर किसी के भी हमारे आयोटा की टर्म आती है तो उसको हम सोल्व करेंगे कैसे, रैशनलाइज का प्रयोग करके, और उस आयोटा को हम नीचे से क्या करेंगे, ख़त्म। अगर हमारा किसी भी के भी आंसर में हमारे डिवाइड में हमारा आयोटा आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन पूरी तरह सही नहीं होगा। हमें उस नीचे वाले आयोटा को ऊपर ले जाना होगा, चाहे रैशनलाइज करके या कोई और ऑपरेशन लगाकर। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमें दिखते हैं 5.2 में। जैसे हमारे पास 5.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो जो हमारे पास पहले क्वेश्चन में तीन पार्ट है उनको हमें सोल्व करना होगा, जो भी आंसर आए वो देखते हैं। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि √-4 × √-64। तो देखो ये पार्ट तो हमने पहली जो एक्सरसाइज थी उसमें ही सीख लिए थे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 आयोटा, क्योंकि यहाँ से √-1 को मिलेंगे, √-1 की वैल्यू आयोटा, और 4 को लिख सकते हैं 2 × √-64 को क्या लिखेंगे, 8 आयोटा, क्योंकि 64 का अंडर रूट हमारे पास उगे रूट होता है 8 और माइनस का हमने लिख दिया आयोटा। अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 आयोटा की 1 के साथ क्या होगी, 2 आयोटा, 2 आयोटा की 8 के साथ क्या होगी, −16 आयोटा × √-2। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, −1, तो ये −1 इसको क्या कर देगा, प्लस। तो हमारे पास आंसर क्या निकल कर आया, 2 आयोटा + 16। ये भी देखो हमारे पास क्या है, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म है ना, क्या लिख सकते हैं, 6 + 2 आयोटा। तो इसमें हमारे पास a तो हो गया 16 और 2 हो गया हमारा b, तो a प्लस आयोटा बी भी इसका क्या निकला आंसर। तो यही क्या होती है हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी क्वेश्चन की। जैसे हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि 1 + √-4 × √-1/4 इसको सोल्व करना होगा हमें। तो देखो इसको तो सबसे पहले हमें एलसीएम लेंगे, लेकिन इसकी पावर 4 को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, किसी की भी पावर 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 + √-2 और उसकी पावर 2, ऐसे ही होगा। इसको भी 1 + √-2 और उसकी पूरे की पावर 2। तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं सबसे पहले। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 + √-2 खोल दिया हमने a प्लस बी, और उसका क्या है अब ऊपर स्क्वायर, यही होगा, इंटू इसका भी होल स्क्वायर खोलते हैं तो 1 का 1 + √-1 का स्क्वायर होगा 1/√-2 और प्लस में 2/√, और उसका आ गया स्क्वायर, यही है। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, −1, तो इस −1 से ये कैंसिल, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू −1, तो इसको क्या लिख देंगे हम, −1, तो इससे भी ये कैंसिल। तो हमारा यहाँ क्या बचा, 2 आयोटा और उसका स्क्वायर इंटू यहाँ क्या बचा, 2/√ और उसका होल स्क्वायर, यही होगा। अब देखो अब इसका स्क्वायर खोलते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 4 / आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, 4 × 4 = 16, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, 16। तो ये भी हमारी a प्लस आयोटा b की फॉर्म है, लेकिन इसको क्या कैसे लिख सकते हैं हम, 16 + 0 आयोटा, तो a हो गया इसमें 16 और b हो गया 0, तो सीधे हम इसको क्या लिख देते हैं, 16 हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। यह था सेकेंड पार्ट। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, मतलब थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या होगा, देखो थर्ड पार्ट हमारा माइनस का आयोटा इंटू 2 आयोटा और इंटू में −1/8 आयोटा की पावर q। तो 2 आयोटा और आयोटा की मल्टीप्लाई क्या होगी हमारे पास, माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर
और इसकी क्यूब पहले, वन की क्यूब क्या होती है माइनस वन, अपॉन एट की क्यूब क्या होती है कर लो 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, 8 सी 48 और 3 51, 512 आया हमारे पास, और आयटा की क्यूब हो गई आयटा क्यूब, क्लियर। आयटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, माइनस का आयोटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस आयोटा। अब देखो 2 आयटा स्क्वेयर माइनस 1, तो माइनस 2 इंटू आयटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस 1 इंटू माइनस आयटा माइनस माइनस प्लस का आयोटा अपॉन 5, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2, 5 और 6, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आया आयटा अपॉन 256 हमारा क्या निकला, पहले क्वेश्चन के लास्ट पार्ट का आंसर निकला। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि राइट द फॉलोइंग इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही हमारी किस पे होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म के ऊपर होगी। तो हमने पहले क्वेश्चन को तो सोल्व कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कह रहा है कि 2 आयोटा प्लस 5 और उसका आ गया हमारे पास स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर को हम कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर का हम फार्मूला खोलेंगे, क्या आएगा ए का स्क्वायर मतलब 4 आयोटा स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab, 2 2 4 4 5 20 आयोटा लिख सकते हैं। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 4, 25 में से 4 जाएगा 21 बचा और प्लस का 20 आयोटा, तो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई ना a प्लस बी आयोटा। यही था हमारा फर्स्ट पार्ट, अब देखते हैं सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट क्या होगा कि माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 5 आयोटा, तो सबसे पहले देखो मल्टीप्लाई में है तो इनकी मल्टीप्लाई ही करा लेते हैं, फिर देखेंगे क्या कुछ बन रहा है। तो माइनस 2 की 3 के साथ आया माइनस 6, माइनस 2 की 5 के साथ आएगा माइनस माइनस प्लस का 10 आयोटा, 3 का इसके 3 के साथ प्लस का 9 आयोटा और 3 का 5 के साथ माइनस 15 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा सुकिया। अब देखो माइनस 6 एज इट इज, 10 आयोटा और 9 आयोटा प्लस का 19 आयोटा 15 आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस 1, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 15 आयोटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस 6, 19 और 15 हमारे पास कितना आया माइनस प्लस का 34 आयोटा, सॉरी आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू तो हमारे पास माइनस हो गई, तो ये प्लस का 15, 15 में से 6 जाएगा तो हमारा कितना बचा 9 प्लस 19 आयोटा, तो ये हमारा आंसर आया फाइनल ए प्लस आयोटा बी में, जिसमें ए क्या है हमारे पास 9 और 19 क्या है हमारे पास 20। तो जब हमारा ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ जाता है क्वेश्चन, वही हमारा आंसर होता है, वही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट, तो जो थर्ड पार्ट मैंने खाली क्यों लिखा है, क्योंकि थर्ड पार्ट बिल्कुल सेकंड पार्ट के जैसा है, आपको खुद करना होगा। फोर्थ पार्ट पर आते हैं हम, तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि फोर्थ पार्ट है हमारे पास कि अंडर रूट 6 प्लस आयोटा 5 अंडर रूट 6 माइनस आयोटा 1 अपॉन 5, तो क्या करना होगा इसको मल्टीप्लाई करना होगा बस सीधा के सीधा, रूट 6 की रूट 6 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगी 6, रूट 6 किसके साथ होगी तो माइनस का आयोटा रूट 6 बाई 5 लिख सकते हैं, 5 की 6 के साथ आया प्लस का 5 रूट 6 आयोटा और 5 का इसके साथ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वेयर। अब देखो 6 एज इट इज, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा प्लस का आयोटा कॉमन लिया तो 5 रूट 6 माइनस में अंडर रूट 6 अपॉन 5 यही है, और माइनस आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस का 1, 6 और 1 7, तो 7 प्लस इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास आयोटा इंटू 25 रूट 6 माइनस रूट 6 अपॉन 5। अब 5 से 5 पर कैंसिल, 5 में से 5 रूट 6 में से 1 रूट 6 गया तो कितना बचा 4 रूट 6, तो क्या लिख सकते हैं 4 रूट 6 आयोटा, तो हमारे पास आंसर क्या निकल कर आया 7 प्लस 4 रूट 6 आयोटा ए प्लस बी आयोटा। तो ए की वैल्यू कोई पूछे तो 7 और बी की वैल्यू 4 रूट 6। अब चलते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ, तो सिक्स्थ पार्ट क्या है हमारा कि 1 अपॉन 2 इनको अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, यहाँ गया तो 1 अपॉन 2 किसके साथ करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 3 क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 2 किसके साथ करेंगे माइनस का 1 अपॉन 8 आयोटा, 1 अपॉन 4 की 2 से 2 कैंसिल तो क्या आया माइनस का 1 अपॉन 6 आयोटा और इसकी इसके साथ माइनस का 1 अपॉन 4 4 जा 16 आयोटा स्क्वायर यही होगा। अब देखो 1 अपॉन 8 आयोटा 1 अपॉन 6 आयोटा इन दोनों को जोड़ेंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ कर देते हैं प्लस का 1, तो प्लस का 1 अपॉन 16 माइनस का 1 अपॉन 3 माइनस का 1 अपॉन 8 आयोटा और माइनस का 1 अपॉन 6 आयोटा
ये हमारा इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे और उसको करेंगे सोल्व। तो ये आपका बिल्कुल इजी वे बचा है हमारा, ये आपका खुद काम होगा। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया, चलो इसको सोल्व करा देते हैं, आपको कठिनाई नहीं होगी। 16 और 3 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 16 दिए 48, 3 तो 3 माइनस, ये क्या होगा 16 माइनस, इन दोनों का भी 48 एलसीएम आया हमारे पास। तो यह आया 6 आयोटा और 48 माइनस का 8 आयोटा, क्लियर है। 16 में से 1 लेस करेंगे, हमारे पास क्या आया माइनस का 13 अपॉन 48, ये क्या आया माइनस का 2, इसको लिख सकते हैं प्लस का 2 अपॉन 48 आयोटा। तो हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म आ गई, जिसमें a क्या होगा माइनस 13 अपॉन 48 प्लस में b क्या होगा 2 अपॉन 48। इसको 2 से हम काट भी सकते हैं अगर चाहो तो, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों का अगर सेम आ जाए तो उस क्वेश्चन को वही छोड़ देते हैं, हमारी वही क्या होती है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ये थे हमारे दो क्वेश्चन, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइड द 2 माइनस 3 आयोटा बाई दिस, कहने का मतलब 2 माइनस 3 आयोटा को हमें डिवाइड करना होगा किससे, 2 माइनस 3 आयोटा को डिवाइड करना होगा 5 माइनस 4 आयोटा से, कर दिया हमने डिवाइड। लेकिन इसका आंसर यही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ये कहा था कि जब हमारे पास डिवाइड में आयोटा की फॉर्म आती है तो उसको हमें कैंसिल करना होगा। तो किस तरह कैंसिल करते हैं, रैशनलाइज के माध्यम से कैंसिल करते हैं। तो इसको रैशनलाइज करते हैं, तो रैशनलाइज क्या होगा कि ऊपर भी 5 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और नीचे भी 5 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई, यही होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 5 से 10, 10 आया हमारे पास, 2 को 4 से प्लस का 8 आयोटा आया, माइनस 3 को 5 से माइनस का 15 आयोटा, और माइनस 3 को 4 से 3 12 जा 3 4 जा 12 और आयोटा 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 स्क्वायर, तो माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर आया। नीचे क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 5 का स्क्वेयर 25 माइनस बी स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर क्या होगा 16 आयोटा स्क्वेयर, यही होगा। अब देखो 8 आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस 1, तो ये माइनस इसको कर देगा प्लस, तो 12 और 10 कितना हुआ 22, माइनस प्लस का 8 आयोटा माइनस का 15 आयोटा, कितना बचा माइनस का 7 आयोटा अपॉन 25, ये माइनस 1 होती है इसकी पावर, तो ये कर देगा इसको प्लस, तो 15 और 16 आया हमारे पास 41, क्लियर है। अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं, तो क्या होगा 22 अपॉन 41 माइनस 7 आयोटा अपॉन 41, यही क्या है हमारा, इसके साथ आयोटा हो गया, a माइनस आयोटा b की फॉर्म आ गई। तो इसने क्या कहा था कि इसको जब हमने इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर ये निकल कर आया। जब अब हमारे पास क्या है कि डिवाइड में आयोटा नहीं है ना, डिवाइड में तो सिर्फ 41 और 41 है, तो हमारा क्वेश्चन है ये राइट, राइट है। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, तो सेकंड पार्ट की तरफ सॉरी, फाइंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच वैन मल्टीप्लाइड बाई दिस वी गिव इतना, यह कह रहा है कि हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, अगर उसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया, क्या मान लिया एक्स। ये कह रहा है कि एक्स को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कहने का मतलब 2 प्लस 5 आयोटा से कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 3 माइनस 7 आयोटा, मिल गया हमने कि जो नंबर हमने निकालना था वो हमने एक्स मान लिया। अब ये कह रहा है कि एक्स को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें, कर दिया, तो हमें ये मिलता है, मिल गया। अब इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, इस डिवाइड में, तो ये आ गया 2 प्लस 5 आयोटा डिवाइड में। अब इसमें वही काम फिर करना होगा, क्या कि डिवाइड में हमारे पास आयोटा दिख रहा है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, रैशनलाइज के माध्यम से। तो रैशनलाइज करते हैं 2 माइनस 5 आयोटा अपॉन 2 माइनस 5 आयोटा, मल्टीप्लाई या कर लेते हैं 3 को 2 के साथ 6, 3 को 5 के साथ माइनस का 15 आयोटा, माइनस 7 को 2 के साथ माइनस का 14 आयोटा, और 7 5 जा 35 माइनस माइनस प्लस का 35 आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर 4 माइनस बी स्क्वेयर 25 आयोटा स्क्वेयर। इसकी वैल्यू क्या होती है आयोटा स्क्वेयर की, माइनस का 1, तो इसको कर दिया हमने माइनस, माइनस का 35 प्लस का 6 क्या निकला हमारे पास, माइनस का 29 माइनस का 15 माइनस का, ये क्या हो गया माइनस का 29 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस 1, तो इसको प्लस कर दिया, तो ये आया हमारे पास 29। अब दोनों में से 29 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा 29 माइनस का 1 माइनस का आयोटा और डिवाइडेड बाई 29, ये कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आया माइनस 1 और माइनस का आयोटा। तो इस एक्स की वैल्यू जो हमने मानी थी, उस एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आई, माइनस 1 माइनस आयोटा, कहने का मतलब इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये निकल कर आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ।
तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म। कि हमने क्या करना होगा कि जो ये क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं इनको हमें ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में चेंज करना होगा। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट थे लेकिन हमने कॉमन कॉमन तीन पार्ट उठा लिए हैं, तो मतलब सारे के सारे पार्ट इसी तरह सोल्व होंगे। तो पहले तीन पार्ट करते हैं फिर कुछ पार्ट और करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चनों में ही करा दिए थे, कैसे कि हमारे पास देखो डिवाइड में आयोटा मिल रहा है, तो इस आयोटा को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइज करेंगे। तो 5 प्लस 2 आयोटा और डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। तो माइनस का 1 माइनस रूट 3 आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया और माइनस का 1 माइनस रूट 3 आयोटा नीचे। तो 5 को 1 के साथ माइनस का 5, 5 की 3 के साथ माइनस का 5 रूट 3 आयोटा, माइनस 2 की 1 के साथ माइनस का 2 आयोटा और 2 की 3 के साथ लिख दिया माइनस का 2 रूट 3 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो इसको हम प्लस का 3 लिख सकते हैं। माइनस 5 एज इट इज, माइनस 5 रूट 3 और माइनस का 2, तो दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा माइनस का आयोटा, या बचा हमारे पास 5 रूट 3 माइनस में 2। इसको क्या लिख दिया आयोटा स्क्वायर को हम प्लस करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा रूट 3, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। तो आंसर क्या आया कि 2 रूट 3 माइनस का 5 माइनस आयोटा इंटू 5 रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारी क्या आ गई आयोटा 1 ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म आ गई। तो अब इसके नीचे हम क्या लिख सकते थे, 4 को भी ले जा सकते थे, तो हमारा आंसर यही आ जाता। अब सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट कह रहा कि 3 प्लस रूट माइनस 1। तो अब देखो ध्यान से देखना कि इस रूट माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है आयोटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई, इसको भी क्या लिख सकते हैं 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा यही होगा। अब इसको रैशनलाइज करते हैं वही काम कि 2 प्लस आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा नीचे मल्टीप्लाई यही होगा। अब 3 के 2 के साथ 6, 3 की प्लस 3 आयोटा, आयोटा की 2 के साथ प्लस का 2 आयोटा और आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही सेम फार्मूला 2 का स्क्वायर 4 और माइनस में आयोटा स्क्वायर। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 लिख सकते हैं, या आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, 6 और माइनस में गया तो 5, प्लस 3 आयोटा और 2 आयोटा प्लस का 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 1 5, दोनों में से 5 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 5, 5 से 5 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या निकला 1 प्लस आयोटा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमने सोल्व कर दिया। थर्ड क्वेश्चन भी एज इट इज होगा, इसको रैशनलाइज कर देंगे 3 माइनस 2 आयोटा। तो सारे के सारे क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन के बिल्कुल एज इट इज हैं, इसी तरह हैं। तो हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में, बाकी बचे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि अगर इसी वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज कराने लगे तो बहुत देर लग जाएगी, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन आगे के हैं उनमें हमें एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स सीखना होगा। तो सबसे पहले उनके बेसिक पार्ट सीखेंगे, अगर इसी वीडियो में उनके बेसिक पार्ट सिखाने लगा और फिर क्वेश्चन कराने लगा तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप सब हो जाएंगे बोर। तो हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो इन 4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है तो कल या परसों में से हमारी अगली वीडियो तैयार होगी जिसमें हम इसके बाकी बचे क्वेश्चन रेडी करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ।